डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर आज समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड का घेराव SFI के द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर किया गया। आज दिनांक 11 अप्रैल 2022 को भारत छात्र फाउंडेशन SFI अंचल कमेटी हसनपुर के बैनर तले छात्रों का जुलूस चीनी मिल चौक से इनकलाब जिंदाबाद SFI जिंदाबाद हसनपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना करनी होगी। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। स्वाधीनता जनवाद समाजवाद जिंदाबाद आदि नारे लगाते हुए प्रखंड मुख्यालय हसनपुर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। BNP न्यूज के लिए हसनपुर से संवाददाता गौरव सिन्हा की रिपोर्ट। हसनपुर में खेल मैदान का निर्माण करना होगा, तमाम हाई स्कूलों में विद्यमान शिक्षा की बहाली करना होगा, धरना कर रहे थे। इसका मुख्य कारण क्या था? धरना का मुख्य कारण था हसनपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज हो, जो कि अभी तक नहीं बना है। और हसनपुर में भरद्वाज कॉलेज में आर्ट और कॉमर्स का जो 2 साल के लिए मान्यता दिया गया है डिग्री की पढ़ाई के लिए, वो अस्थाई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अस्थाई रूप से हसनपुर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज हो, जिससे गरीब छात्र छात्राएँ बाहर कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाएँ, अपने क्षेत्र में ही पढ़ाई करें, डिग्री की पढ़ाई करें और आगे बढ़े। इसलिए हम लोग प्रयत्न है कि हसनपुर विधानसभा में डिग्री कॉलेज हो और सभी छात्र छात्राएं यहां से पढ़कर मतलब अपने क्षेत्र का नाम, अपने क्षेत्र का विकास करें। आज के धरना प्रदर्शन में कई संगठन के लोग मौजूद थे जी, तो क्या स्थानीय पदाधिकारियों के का सहयोग मिल रहा है आप लोगों का? स्थानीय पदाधिकारी का सहयोग धरना प्रदर्शन में मिल रहा है, लेकिन स्थानीय पदाधिकारी हम लोग की मांग को ऊपर तक नहीं ले जा रहे हैं। इसलिए हम लोग ने आज ब्लॉक का घेराव किया, जिसे स्थानीय पदाधिकारी भी हम लोग के साथ मिलकर सही हम लोग का सहयोग करे, ताकि हमारी मांग जो जायज मांग है सरकार तक पहुंचे और सरकार अपने संज्ञान में ले और हसनपुर में डिग्री कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द करवावे। पदाधिकारी से तो आज तक आप लोग मांग करते रहे हैं, क्या सरकार से मांग किए हैं, सरकार से मिले हैं? सरकार से तो नहीं मिले हैं, सरकार के लिए माध्यम चाहिए और ये माध्यम है। आज ब्लॉक का घेराव किया है, कल DM ऑफिस का घेराव करेंगे, परसों हम विधानसभा का घेराव करेंगे। इस तरह से हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे और सरकार तक पहुंचकर हसनपुर में डिग्री कॉलेज के लिए अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? विकास राज, छात्र नेता। आज जो आप लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिए हैं, उसका क्या कारण था, उसमें क्या मुद्दा था आपका? उसमें मुद्दा ये था कि हसनपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जो सबसे बड़ी मुद्दा थी हम लोगों की और मुख्य मांग भी थी। और हसनपुर विधान में संयुक्त रूप से खेल का स्टेडियम हो और मालदा हाई स्कूल जो हाई स्कूल है उसको +2 की दर्जा दी जाए और वहाँ इंटर स्तरीय से पढ़ाई चालू। और गिजरी गांव है जो अहिलवाड़ पंचायत के अंतर्गत आते हैं, वहाँ बरसों से 3-4 वर्षों से एक अधूरे विद्यालय कुर्सी बना के छोड़ा गया है, तो उसमें अतिशीघ्र उसमें काम हो और वहाँ नया भवन का निर्माण हो। और एक प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय है, हमारी सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है और प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय मंगलगढ़ में है, जिसमें तिरपाल पर लड़कियाँ बैठ के पढ़ाई करती हैं। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि वहाँ अतिशीघ्र बेंच डेस्क की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सरकार का ये आह्वान है कि प्रत्येक प्रखंड में एक महाविद्यालय होना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं है। और यहाँ की ना कोई जनप्रतिनिधि इस चीज़ के लिए सदन में आवाज उठाते हैं, ना इस चीज़ पर कभी विचार करते हैं। वोट जो कॉलेज के नाम पे कई प्रतिनिधि वोट लेके यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ के युवाओं को गुमराह कर देते हैं। और BDO साहब के माध्यम से अगर हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाती है तो हम लोग DM साहब के समक्ष अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना बात रखेंगे। अगर वहाँ से भी हम लोगों की बात नहीं सुना जाएगा तो हम लोग पटना तक राजभवन तक घेरने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक लोग सड़क पर नहीं आएंगे तो बात सदन तक नहीं जाएगा और बात सदन तक नहीं जाएगा तो मांग पूरा होने वाला नहीं है। तो यही हम लोगों की BDO साहब का क्या आश्वासन था? BDO साहब अपने पूर्ण प्रयास और हमें आश्वासन ये दिए हैं कि हम लोग
आपके जो हम लोगों की जो मांग है उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे और हम लोगों को मांग को अतिशीघ्र दिलाने का काम करेंगे। और उन्होंने हमको 10 दिन के बाद फिर बुलाने का काम किया है और जो होगा हम आप लोगों को फिर बताएंगे। आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से क्या मांग करना चाहते हैं? हम अपने जनप्रतिनिधि से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र को जो, क्योंकि युवाओं की सबसे जो बड़ी मुद्दा है शिक्षा, शिक्षा नहीं रहेगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता और शिक्षा की जो समस्या है वो हर एक के लिए समस्या है। इसलिए मैं अपने जनप्रतिनिधियों को यह मिलवाना चाहूँगा, यहाँ के क्षेत्रों के जो अभाव है शिक्षा का, तो आप उस शिक्षा पर थोड़ा विचार कीजिए और अतिशीघ्र शिक्षा को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, क्योंकि आपके हसनपुर के युवा आपके साथ हैं। यही मेरा कहना है जनप्रतिनिधि। क्या नाम हो? मेरा नाम रुपेश कुमार, SFI जिला कमेटी सदस्य समस्तीपुर।